हाय एवरीवन, वेलकम टू प्लीटी ब्यूटेंट। सो स्टूडेंट देखने वाले हैं कि एबीवी में बीएससी नर्सिंग के लिए जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। राउंड वन का रिजल्ट तो आ ही गया है और कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया है तब क्या करना है, अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो क्या करना है, इसके अलावा अगर आपको मनपसंद का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो क्या करना है, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में डिटेल्स। सो राउंड वन का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसका रिजल्ट तो आ ही गया है। 30 तारीख को सीट एलोकेशन का रिजल्ट है वो आ चुका है और आपको पता चल चुका है कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में। इसके अलावा इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है चलिए उसको देखते हैं। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग टू द कॉलेज फॉर द एडमिशन प्रोसेस, मीन सीट मिल गई है आपको तो जो भी सीट मिली है आपको उस कॉलेज में जाना है और जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, फीस पेमेंट है, सारी चीजें करके जो एडमिशन है वो ले लेना है। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए आपको टोटल 1 वीक का टाइम मिला है, 1 तारीख से लेकर और 8 तारीख के बीच में आप ये पूरा प्रोसेस जो है खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर द एडमिशन प्रोसेस, लास्ट डेट जो रहने वाली है रिपोर्ट करने की अलॉटेड कॉलेज में वो रहने वाली है 8 जुलाई 2024 शाम को 6 बजे तक। अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो उसके बारे में क्या करना है आपको उसको देखेंगे अभी आखिरी में। बात करें अगर राउंड 2 की तो राउंड 2 में जो स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 11 तारीख से और एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग यह 18 तारीख, मीन्स 11 से 18 के बीच में राउंड 2 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है और चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हैं। 21 जुलाई को आ जाएगा सीट एलोकेशन, 22 से 29 जुलाई के बीच में जो सीट आपको मिली है उसके लिए आपको जो कॉलेज में रिपोर्ट करना है और एडमिशन ले लेना है। उसके बाद स्टार्ट होगा मॉपअप राउंड फॉर द काउंसलिंग, मॉपअप राउंड के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो 31 जुलाई 2024 इस तारीख को डिस्प्ले कर दी जाएगी। सो स्टार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन और आप 31 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो अपनी चॉइस फिलिंग है कर सकते हैं अपने पोर्टल पे लॉग इन करके। जो चॉइस फिलिंग वगैरह है वो 7 तारीख से लेकर और 12 तारीख के बीच में यहाँ पर होने वाली है अगस्त में। अनाउंसमेंट आ जाएगा सीट एलोकेशन का 16 अगस्त को, उसके बाद 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में आपको वहां पर कॉलेज में रिपोर्ट करना है जो कॉलेज आपको अलर्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगर आपको राउंड वन में सीट मिल गई है तो देखिए, अगर आपको राउंड वन में सीट अलॉट हो गई है तो यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, या तो अपनी सीट से आप सेटिस्फाई हैं या जो आपको सीट मिली है आपको लग रहा है कि आपको एक बढ़िया सीट मिल सकती है उस कॉलेज से तो आप नॉट सेटिस्फाइड हैं। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं तो क्या करना है आपको, जब आप पोर्टल पर लॉग इन करेंगे तो आपको ऑप्शन 1 दिखेगा वहां पर, तो ऑप्शन 1 जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, मीन्स जो सीट एलोकेशन आपका हुआ है आप उससे खुश हैं और आप आगे नहीं जाना चाहते हैं। तो जो ऑप्शन 1 है वो किसका ऑप्शन होता है, वो फ्रीज का ऑप्शन होता है। आपको सीट मिल गई है आप उस कॉलेज से खुश हैं, उस सीट से खुश हैं और आपको जो फर्दर राउंड होने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपको सीट मिल गई है और आप उस सीट से खुश नहीं है तो क्या करना है आपको, तो भी आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है और एडमिशन ले लेना है, 40,000 रुपए की फीस पे करनी है, मगर उस समय आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन 2 जो कि है फ्लोट का ऑप्शन। मींस फ्लोट का ऑप्शन में क्या होगा कि आप जो नेक्स्ट राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, मींस इनकेस कोई सीट खाली हुई तो उस केस में आप जो हायर वाला आपका प्रेफरेंस है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। इनकेस आपको सीट अलॉट नहीं हुई मान लो सेकेंड राउंड में, तो उस केस में जो आपकी पहली वाली सीट थी वो बची हुई रहेगी, वो तो फिक्स है ही है। अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई तो आपको फर्स्ट वाली सीट छोड़ के और जो सेकेंड वाली सीट है वो लेनी पड़ेगी। तो यह है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 है फ्रीज का, ऑप्शन 2 है फ्लोट का। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है थर्ड का, ऑप्शन 3 है डिक्लाइन का। सर आप डिक्लाइन कर देते हैं तो आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया था वो चला जाएगा आपका। आपको 2 ही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो आपको बेसिकली यहाँ पर काम आने वाले हैं। पहला ऑप्शन 1, आपको सीट मिल गई है आप सीट से खुश हैं तो उस केस में जो ऑप्शन 1 है उसको सेलेक्ट करें, सीट को फ्रीज करें, बस हो गया आपका, जब कॉलेज खुलेंगे तो जाएं और अपनी जो स्टडीज हैं वो कंटिन्यू करें। इसके अलावा अगर आपको मनपसंद सीट नहीं मिली है, आपको लगता है कि आपको एक बेटर सीट मिल सकती है और चांसेस बन सकते हैं, तो उस केस में आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन 2, आप जाएं अपग्रेड के लिए। यहां देख सकते हैं आफ्टर सीट एलोकेशन द कैंडिडेट हैज टू पे सीट कंफर्मेशन फीस ऑफ 40,000 रुपीज थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर द सीट कंफर्मेशन, मीन्स अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको 40,000 रुपए की जो ट्यूशन फीस है वो पे करनी है जो स्टिपुलेटेड डेट से उसके अंदर। इसके अलावा आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज टू रिपोर्ट इन पर्सन टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू डिपॉजिट द एडमिनिस्ट्रेटिव फीस ऑफ 2,000 रुपीज इन द कॉलेज एंड टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। फेलिंग टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज इन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम विल लीड टू फॉरफिट ऑफ द काउंसलिंग सिक्योरिटी मनी ₹5,000। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, मींस अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया सीट मिल गई है तो उसके बाद आपको 40,000 रुपए की जो फीस है पे करनी है कॉलेज में। इसके अलावा जो कॉलेज आपको अलर्ट हुआ है वहां जाना है और वहां पर जो बाकी फीस वगैरह है वो सब पे करनी है। इसके अलावा जब आप वहां पर जाएंगे तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 1 सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके ये ले जाने हैं आपको कॉलेज में।
बाकी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये देख सकते हैं, आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज इफ द कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन विंडो दैट इज 31 जुलाई 2024 से लेकर और 5 अगस्त 2024 अप टू 6 PM हियर इज अ सीट कंफर्मेशन ऑफ रुपीज 40,000 एंड काउंसलिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ रुपीज 5,000 विल बी फॉरफीटेड। मींस मान लो सपोज करो आपने एडमिशन ले लिया कहीं पर, कोई प्राइवेट कॉलेज था, कोई दूसरा कॉलेज था, मगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, आप चाह रहे हैं कि आप उस कॉलेज को छोड़ दें, तो 31/7/2024 से 5/8/2024 इनके बीच में आप जो वो सीट है वो छोड़ सकते हैं। अगर आप इसके बाद छोड़ेंगे तो उस केस में जो अपने 40,000 भरे हैं वो तो जाएंगे जाएंगे और जो 5,000 है वो भी चले जाएंगे। तो जो एडमिशन है एकदम सोच समझ के लेना है। बाकी एक बात और ध्यान रखने वाली है, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन द मॉपअप राउंड इफ कैंडिडेट डज नॉट टेक एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेज टिल द लास्ट राउंड द अलॉटेड सीट एंड द सिक्योरिटी फीस ऑफ रुपीज 5,000 रुपीज एंड द सीट कंफर्मेशन फीस ऑफ रुपीज 40,000 रुपीज विल बी फॉरफिटेड। मीन्स अगर आप मॉपअप राउंड में गए हैं और मॉपअप राउंड में आपको सीट मिली है तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपके जितने भी पैसे जमा हैं सारे चले जाएंगे। तो राउंड टू स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं राउंड टू की एलिजिबिलिटी। तो फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टू, तो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था राउंड वन में वो तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा ऑल द कैंडिडेट्स हू हैव पार्टिसिपेटेड इन द राउंड वन एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन द एनी कॉलेज, मीन्स जिन्होंने राउंड वन में पार्टिसिपेट किया था और उनको कोई सीट नहीं मिली है तो वो लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट हू हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन द कॉलेज एंड ऑप्टेड द ऑप्शन टू, जैसे बताया भी आपको ऑप्शन टू क्या होता है कि सीट एक्सेप्ट कर ली है मगर उन्होंने जो सीट को है उसको फ्लोट पर रखा हुआ है, मींस अपग्रेडेशन के लिए वो लोग जा रहे हैं, वो लोग भी राउंड टू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट्स हू हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन कॉलेज एंड सेलेक्टेड ऑप्शन थ्री, मींस सीट को डिक्लाइन कर दिया है तो वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, मींस न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो पहले वाले हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपग्रेड के लिए वाले आ सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर द काउंसलिंग। कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जिनको राउंड वन में सीट मिल गई है और उन्होंने सीट को फ्रीज कर दिया है। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपनी जो लॉगिन आईडी है डिटेल्स है उससे करना पड़ेगा अपने पोर्टल पे लॉगिन एंड फॉलोइंग स्टेप्स टू बी कंप्लीटेड बाय द कैंडिडेट हु नॉट पार्टिसिपेटेड इन द राउंड वन। तो अगर आप पहले पहली बार कर रहे हैं राउंड टू में रजिस्ट्रेशन तो उस केस में क्या क्या करना पड़ेगा आपको, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑल द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लाइक कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब आपको पहले से फिल हुआ मिलेगा जो आपने फॉर्म भरते हुए टाइम पे भरा था। इसके अलावा कैंडिडेट्स हू हैव मार्क्ड अपीयरिंग इन द क्लास 12th ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस हैज टू अपडेट द क्लास 12th मार्क्स, कैंडिडेट्स विल आल्सो हैव टू अपलोड द हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड क्लास 12th इंटरमीडिएट मार्कशीट और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। मीन्स अगर आपने फॉर्म भरते हुए, क्योंकि उस टाइम में सपोज को रिजल्ट नहीं आया था तो आपने वहां पर अपीयरिंग का ऑप्शन डाला होगा, वहां पर मार्क्स भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो अब तो सभी चीजें रिजल्ट वगैरह सब आ गया है तो आपको पोर्टल पे जाके जो मार्क्स हैं वो डाल देने हैं, सारी डिटेल्स जो है आपको अपडेट कर लेनी है। इसके अलावा द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट रुपीज 5,000 रुपीज एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस और 5,000 रुपीज एज काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस, तो ये दो फीस भी आपको वहां पर जमा करनी है, पेमेंट करना है और दोनों फीस जो है ये ऑनलाइन मोड में होंगी डिपॉजिट। इसके अलावा जिन लोगों ने राउंड वन में पार्टिसिपेट किया था उनको क्या करना है, सो द कैंडिडेट्स विल हैव टू डिपॉजिट रुपीज 500 रुपीज एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगा ऑनलाइन एक्सेप्ट कैंडिडेट्स हू हैव रजिस्टर्ड फॉर राउंड वन एंड नॉट हैव बीन अलॉटेड एनी सीट। मींस जिन कैंडिडेट्स ने राउंड वन में पार्टिसिपेट किया था और उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो उनको दोबारा से 500 रुपए पे नहीं करने हैं, मगर जिन कैंडिडेट्स ने राउंड वन में पार्टिसिपेट किया था और उनको कोई सीट मिल गई है और वो जाना चाहते हैं राउंड टू में तो उनको दोबारा से जो 500 रुपए है वो भरने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ए सिक्योरिटी फीस ऑफ रुपीज 5,000 एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स हू हैव एक्सेप्टेड एंड कंप्लीटेड द एडमिशन प्रोसेस इन राउंड वन एंड ऑप्टेड फॉर पार्टिसिपेशन इन राउंड टू फ्लोट के ऑप्शन के साथ। मींस सीट मिली है और राउंड टू में पार्टिसिपेट करना है तो 500 रुपए तो भरने ही भरने हैं आपको। इसके अलावा जो 5,000 रुपए है उसका क्या रूल है, तो जिन लोगों ने सीट एक्सेप्ट कर ली है, एडमिशन प्रोसेस राउंड वन का कंप्लीट कर लिया है और अपनी सीट का जो ऑप्शन है उसको फ्लोट पे रखा हुआ है तो उन लोगों को 5,000 रुपए दोबारा से पे नहीं करने हैं। इसके अलावा द कैंडिडेट्स हू हैव डिक्लाइंड एंड ऑप्टेड फॉर राउंड टू और द कैंडिडेट्स हू हैव रजिस्टर्ड फॉर द राउंड वन एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, तो इन लोगों को जो 5,000 रुपए हैं वो पे नहीं करने हैं, सिर्फ 500 रुपए जो है पे करने हैं। जिनको राउंड वन में सीट नहीं मिली है उनको 500 पे नहीं करने हैं, वो डायरेक्टली राउंड टू में चले जाएंगे, मगर जिनको सीट मिल गई है वो राउंड टू में जाना चाहते हैं अपग्रेडेशन के लिए तो 500 रुपए उनको पे करने पड़ेंगे। आपने कर लिया रजिस्टर्ड, उसके बाद का जो स्टेप होगा वो होगा आपका कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का। द ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल विल अलाउ द कैंडिडेट टू मेक चॉइसेस ऑफ सीट्स एंड अरेंज देम इन डिजायर्ड ऑर्डर। द कैंडिडेट कैन मेक एनी नंबर ऑफ चॉइसेस विद इन द डेट एंड स्पेसिफाइड टाइम एंड शेड्यूल, मीन्स आप कितनी भी चॉइसेस भर सकते हैं जितनी आपकी मर्जी,
उतनी चॉइसेस आप भर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं है कि आप इतनी ही भर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको कितनी बार भी रिअरेंज कर सकते हैं जब तक के टाइम है। इसके अलावा द चॉइसेस मेड बाय द कैंडिडेट शुड बी सेव्ड बाय द कैंडिडेट बिफोर लॉग आउट। जब आपको लॉग आउट करना है तो जो आपने प्रेफरेंस भरी उसको सेव कर देना है। इसके अलावा कैंडिडेट कैन मेक चेंजेस इन द सेव्ड प्रेफरेंसेस एज मेनी टाइम्स एज ही विश, मींस आपने जो सेव कर दिया प्रेफरेंसेस उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने सेव नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाने वाला है जब टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा चॉइस फिलिंग का। जो भी आपने सब प्रोसेस किया है सबका जो प्रिंटआउट है वो रखना ही है आपको। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन द राउंड टू आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द पोर्टल एंड चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विद इन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। सो अगर राउंड टू में सीट अलॉट हो गई है तो वही जो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑप्शन वन होगा एक्सेप्ट करने का, ऑप्शन टू होगा डिक्लाइन करने का। बाकी अगर आपने सीट अलॉट हो गई है आपको, आपको लेना है कॉलेज में एडमिशन, उसमें आपको 40,000 रुपये जो है पे करने हैं एज ए सीट कन्फर्मेशन फीस। जाके करना है कॉलेज में आपको रिपोर्ट और वहां पर जो बाकी जो प्रोसेस है वो सारी चीजें कर लेनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है कैंडिडेट्स हु हैव बीन ऑलरेडी डिपॉजिट ₹40,000 इन द राउंड वन और उन्होंने फ्लोर चुना हुआ था एंड हैव सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टू आर नॉट रिक्वायर्ड टू री डिपॉजिट, मीन्स जिन लोगों ने राउंड वन में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने फ्लोर का ऑप्शन रेडी रखा है तो उस केस में उनको राउंड टू में ₹40,000 दोबारा से पे नहीं करने हैं। इसके अलावा इफ एनी कैंडिडेट रीशफल्स द एग्जिस्टिंग सीट्स एंड गेट न्यू अपग्रेडेड सीट इन राउंड टू हर सीट इन राउंड वन विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन इन द अपग्रेडेड सीट इन द राउंड टू। मींस अगर आपने राउंड टू में पार्टिसिपेट किया था आपको सीट मिल गई है तो आपको जो पहले वाली सीट थी वो चली जाएगी और जो दूसरी वाली सीट आपको अलॉट हुई है उस कॉलेज में जाके आपको जो पूरा प्रोसेस है एडमिशन का वो खत्म कर लेना है। इफ द कैंडिडेट सीट इज नॉट अपग्रेडेड रीशफल्ड इन द राउंड टू हिज अ सीट ऑफ राउंड वन विल बी रिटेन्ड। अगर आपको राउंड टू में सीट नहीं मिली है तो राउंड वन की सीट तो आपके पास है ही, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग काउंसलिंग। सीट मिलने के बाद आपको इन पर्सन कॉलेज में करना है रिपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस वगैरह है वो सब पे कर देनी है कॉलेज में। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स करा लेने हैं वेरीफाई, लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड वन सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो ये है डॉक्यूमेंट की लिस्ट, ये सारे आपको ले जाने हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, फीस डिपॉजिट जो 40,000 रुपये की है उसकी रिसीट, फोटो आईडी प्रूफ, वेरिफिकेशन शीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, क्लास 12th क्लास 10th की जो मार्कशीट है ओरिजिनल वो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वाला सर्टिफिकेट। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स की क्या करना है आपको राउंड वन में सीट एलोकेशन के बाद और राउंड टू में सीट एलोकेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं मॉपअप राउंड के लिए तो उसके लिए अलग वीडियो है, आप चैनल पे जाके सारी वीडियो पढ़ी है आप उसको देख सकते हैं और यूपी नर्सिंग की प्लेलिस्ट भी बनी है आप उसको भी चेक कर सकते हैं।